आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुनी गई साधना सिंह। जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने साधना सिंह को दिया जीत का प्रमाण पत्र। दोबारा निर्वाचित होने के बाद साधना सिंह ने कहा, विकास करना हमारे परिवार की है परंपरा, होगा क्षेत्र का समुचित विकास। आधार कार्ड में कतिपय त्रुटियों के कारण कोविड वैक्सीनेशन हेतु आने वाले कई व्यक्तियों के पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में हो रही दिक्कत को देखते हुए मंडलायुक्त ने करवाया नगर निगम एवं जिला चिकित्सालय में अलग से एक कक्ष में आधार कार्ड को त्रुटि रहित करने की व्यवस्था। जताया यूआईडी के प्रति आभार। कहा, कोविड वैक्सीनेशन कराने आने वाले व्यक्तियों को मिलेगा लाभ, वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आर के तोमर ने विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। कहा, बागवानी को दे बढ़ावा, पौधरोपण कार्यक्रम को बनाए सफल। एसएसपी ने किया रिजर्व पुलिस लाइन के आरटीसी बैरक और अबेस का निरीक्षण। रिक्रूट महिला आर्चियों से वैक्सीनेशन के लिए जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीडी सोनम कुमार ने दी कच्ची शराब के कारोबारियों को चेतावनी। कहा, पकड़े जाने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा, संपत्ति जब्त के साथ गैंगस्टर की भी होगी कार्रवाई। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 69,277। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 57 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जिले के 125 रिक्त पदों के सापेक्ष 111 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार के प्रति जताया आभार। बीएसए ने कहा, शासनादेश मिलते ही दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। सेवानिवृत्ति के बाद डीवीएनडीसी के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। कहा, कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों का मिला भरपूर सहयोग। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को 25 केंद्रों पर 3,356 को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, 1 जुलाई से चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। मुस्लिम भाट जाति को राज्य पिछड़ा अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रहमानी कौमी एकता संघ ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, मुस्लिम भाट जाति को मिले पिछड़ा वर्ग का दर्जा। 2 महीने के बकाया मानदेय की मांग को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्सों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, जिलाधिकारी ने मानदेय भुगतान का दिया है आश्वासन। और मंगलवार को रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहा नाइट कर्फ्यू। वाहन चेकिंग कर पुलिस कराती रही नाइट कर्फ्यू का पालन। एसपीसीटी ने कहा, कोरोना महामारी के खात्मे के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। घर में रहें, सुरक्षित रहें।